ने इतनी सारी भाषण दे डाले उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे इसका तरीका भाई बहस करने का? अगर ऐसे बेहूदा ढंग से बहस करनी है तो क्या तरीका है? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो। मैं बात प्रोफेसर का आचरण है, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। सुधांशु जी, ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी आपके पास मैं आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, मर्डर भी होता है तो कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है, जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है। आप सुनिए पहले, सिर्फ ये जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। विवेक जी, विवेक जी सर, एक मिनट लूंगा, सब पढ़े हैं आप सभी से। और ये चौपाई कास्टिस्ट है, ये चौपाई कास्टिस्ट है। कौन से कांड में है, कौन से कांड में है? विवेक जी एक मिनट में लूंगा। अब मैं पहले एक जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले, बता रहा हूं। अरे मैं जवाब, आपने इतनी सारी भाषण दे डाले उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे? अरे आप कहां पहुंच गए, पहले आप ये तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर इसका तरीका भाई बहस करने का? अगर ऐसे बेहूदा ढंग से बहस करनी है तो क्या तरीका है? आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मैं अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, ये सुंदर कांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और तीन दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता। आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या, मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का है, गौर से देखना। सुधांशु जी सर एक मिनट, अरे भाई क्या बोल रहे हो, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब आप इस समय प्रोफेसर की तरह एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सुधांशु जी इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है। अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में, देखो अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे।